अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी, आज की वीडियो है हमारी समर मास्क पर। गर्मियां हो गई हैं स्टार्ट। अब गर्मियों में तो पता है स्किन का क्या हाल हो जाता है, तो क्या करें क्या लगाएं। तो ये एक मास्क सिंपल सा मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, समर मास्क। ये आपने हफ्ते में कोई 2 या 3 बार लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। बहुत सिंपल सा ये एक मास्क है जिसमें आपने स्ट्रॉबेरी और कोकोआ पाउडर को जो है वो मिक्स करना है। इनको मिक्स करके अगर लगा तो ये आपकी स्किन को जो है ब्राइटन करता है और टाइटन करता है। तो ये जी मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं इस मास्क को बनाने के लिए यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं कोकोआ पाउडर लेके आई हूँ। ये एक बॉक्स है, 80 रुपीस का ये मुझे मिला है। इसमें बहुत सारा कोकोआ पाउडर होता है, हमें सिर्फ 1 टेबलस्पून चाहिए एक मास्क बनाने के लिए। इसके बाद हमें कॉर्नफ्लोर चाहिए। कॉर्नफ्लोर जो है हम 1/2 टेबल स्पून लेंगे। इसकी क्वान्टिटी कोकोआ पाउडर से 1/2 रखनी है। स्ट्रॉबेरीज हमें चाहिए। स्ट्रॉबेरी मेरी फ्रीज थी तो मैंने थोड़ी देर इनको बाहर निकाला है। ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी ताकि इनको मैश करने में इजी रहे। विटामिन ई के हमें चाहिए ड्रॉप्स, तो मेरे पास सीरम नहीं था तो मैंने ये विटामिन ई कैप्सूल्स मंगवाए हैं। ये 2 ड्रॉप्स आपको एक टाइम के मास्क के लिए काफ़ी है। तो सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रॉबेरी को मैश। आप फोर्क से करें, फोर्क से ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मेरी ये वाली स्ट्रॉबेरीज चूँकि पहले ही सॉफ्ट थी तो इसलिए मैं स्पून से कर रही हूँ। अच्छे तरीके से आपने इसको मैश कर लेना है। इसको आप पल्प आपने इस तरह बना लेना है। इसको ये देखिए जी, मैंने मैश कर लिया। ये बहुत फाइन जो है इसका पल्प निकला है, सॉफ्ट सा। अब हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स शामिल कर देते हैं। सबसे पहले कोकोआ पाउडर ले लेते हैं। वन टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर चाहिए। उनको आप इकट्ठा मिक्स कर लें। उसके बाद चाहिए हमें कैप्सूल्स। ये देखिए मैं ऐड कर रही हूँ कोकोआ पाउडर। अब इन्हें मिक्स कर लें, कैप्सूल्स ऐड कर दें। दोनों कैप्सूल्स मैंने ऐड कर लिए हैं, अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये जी मैंने मिक्स कर लिया। ये इस तरह का पेस्ट बनेगा। ये आपने अपने फेस पर अप्लाई करना है। आप फिंगर से इसको अप्लाई करेंगे और ब्रश या उससे नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ से। आप इसको फिंगर से अपने फेस पर अप्लाई करेंगे इस तरह। 10 से 15 मिनट के बाद आपने इसको वॉश कर लेना है, ज़्यादा ड्राई नहीं होने देना। तो जी ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।